सलाम वालेकुम। मैंने कहा यहाँ पाकिस्तान की पहली शॉपिंग के लिए निकला हूँ, कैलेंडर क्या लगता है आपके पास? 220 वोल्ट के सीधे होते हैं, इसी तरह ये होता है। मैंने कहा कि सबसे अच्छी वाली है मुझे नहीं लगता कि ये घर में है, तो हो सकता है कि जब इनके पास सब अच्छी क्वालिटी है लेकिन है किस कंट्री की नहीं पहना सोने के मेड इन मलेशिया मलेशिया की प्रोडक्ट है पहना सोने के एक नंबर पे कोई भी कंपनी नाम हो लेकिन उसकी प्रोडक्ट अच्छी है। लोहे वाले बेटा एक नंबर नहीं है। नहीं मैं तो कह रहा हूँ अच्छी नहीं है, एक नंबर नहीं है, ना हो अलग बात है। एक नंबर टाइवन भी, एक नंबर मलेशिया भी, मैंने आपसे कही दोनों बातें, वो भी है। मैं कह रहा हूँ कि मलेशिया की अच्छा आपको ओरिजिनल मलेशिया मिल जाएगी, मसला नहीं है। कि वीडियो में अगर आप आए तो इशू तो नहीं है। नहीं नहीं कोई इशू नहीं है। असल में क्या एक नंबर चाहिए? आयशा की दोनों बहुत अच्छी है, लेकिन अगर वो एक नंबर आप कहेंगे मेरे पास एक नंबर बोलूंगा, एक नंबर ही होगी। दुकानदार को दिखा दे, अवेलेबल है वो निकाल। बेटा ओरिजिनल मलेशिया इस तरह ये साहब ने ये बताया कि ये भी मलेशिया की है लेकिन एक नंबर ओरिजिनल मलेशिया की। ये भी मेरा देखा, इसका रंग भी देख लें, उससे भी आपको पता अजनान की करना है, इसकी फिनिशिंग में भी आपको पता चलता है और आपको जान चुकी है। फिनिशिंग इससे ज़्यादा भी मैं दे दूंगा आपको, लेकिन बस ये एक नंबर जबान की बात है, जबान कह दी भाई ओरिजिनल। इससे मेरा बड़ा वास्ता है, इनके बड़ों से भी ये वास्ता है, तो ये ओरिजिनल भी दे रहे हैं। और कोई कोई इश्यू नहीं है, बड़ा पुराना वास्ता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह दे रहे हैं और फ्री में भी दे रहे हैं, सही है। बस एक नंबर मिल जाए समझ लो फ्री है। चलो ठीक है, बोलना बोलना क्या दिक्कत है क्या? अस्सलाम वालेकुम। आज मैं भी ये बड़े बड़े लोगों की तरह सेटअप करके और वो करके मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। और ये एक लाइटिंग सिस्टम, अब आपको यहाँ तो नज़र नहीं आएगा, मैं बाद में चलो दिखा दूंगा। ये लास्ट टाइम भी हम लेकर आए थे तो इसको हमने खोला ही नहीं और उसको लगाया ही नहीं, बस इसी तरह भाग भाग में वो वापस चले गए, ओपन ही नहीं किया उसको। तो या ओपन किया होगा मुझे सही याद नहीं, अगर होकर डरा दी तो हमने कहा अच्छा इसको असम्बल करेंगे बाद में, लगाया नहीं। तो इससे कम से कम ये चेहरे की फेस के ऊपर जो रोशनी आ रही है एक तो वो उसका बड़ा एडवांटेज हो जाता है और आपको अच्छा भी लगता है। फिर हाइट इसकी जितनी मर्जी आप कर लें। तो अभी मैं कमरा आपने जैसे देखा अभी आके वो बेडशीट वगैरह वो भी चेंज करवाई, तो बस ये मास्टर बेड जिसको आप कह लें, एसी वाला कमरा एसी है माशाल्लाह। और एक दूसरा कमरा जो वो कमरा फिर वो एसी उस वक्त चलाएं जब कोई भी दोस्त वगैरह आया, तो चलो यहाँ इसमें प्राइवेसी रहती है, कोई अपनी चीज़ें इधर उधर रखी हुई बिखेरी हुई हैं, ठीक है। तो अब जो मैं बताना असल में ये चाह रहा हूँ कि मैंने कहा मामा जैद को भी बताऊँ कि ऐसी बात नहीं है, हमारा ये मीर पखास भी किसी से कम नहीं है। आज मैं शॉपिंग करके लिए दो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आया हूँ जिसके लिए वहाँ भी एक दो मरतबा बात किया, उसने कहा मैंने छोड़ो वहाँ मिल जाती हैं। फिर वो 220 वोल्ट और 110 और 220 का भी फ़र्क आ जाता है, उसके लिए बेशक वो ट्रांसफार्मर भी मिलता है, ट्रांसफार्मर लगाओ फिर उसमें लगाओ फिर लोग, तो ये जरूरत ही क्या, जब आपको वो चीज़ यहाँ मिलती है वही, जो ना मिले वो एक। और अब आपको मैं बताऊँ कि कनाडा में भी देखिए कंपनियाँ उनकी तो वो चलती रहती है, जिसको खोज कह लें, रिसर्च कह लें, सर्च कह लें, कि भाई मार्केट में ज़्यादा जिंदा रहने के लिए, ज़्यादा एक्टिव रहने के लिए। हम तो अब ज़्यादातर जो प्रोडक्ट वहाँ हमारे पास आ रही हैं, सवाल ये नहीं कि मेड इन चाइना या मेड इन मलेशिया या मेड इन जहाँ की भी है, वो उसकी रेंज उन्होंने वोल्टेज की 100 से लेकर उन्होंने 240, यानी अगर 110 का भी है तो भी वो चलेगा, उससे ज़्यादा का तो भी चलेगा, और 240 का है 220 का है तो वह रेंज ये देती, उससे बड़ी आसानी हो गई। आप सीधा प्लग इन करते हो, आपको किसी किस्म का वो फिक्र ही नहीं, ना अडाप्टर की जरूरत है ना उसकी। तो अब ये जितने भी अप्लाइंसेस है या दूसरी कुछ छोटे आइटम्स हैं वो मिल जाते हैं, लेकिन ढूंढने पड़ते हैं, फिर दूसरों के मुकाबले थोड़े से वो महंगे भी होते हैं। और कुछ जनरल चीज़ें हैं
वो तो उन्होंने अब वैसे ही कर दिया, जब इवन फोन है इनके जितने भी चार्जेस है अब उनको 110 से 220, ताकि एशियन कंट्रीज भी ये जितने वो भी इस्तेमाल कर सकें। तो चलो खैर, तो हम बैटरी का जो हमारी जो है जिसको कहते हैं इस्त्री, वो भी मेरे दोस्त ने एक मरतब, जब मैं 2-3-4 साल पहले की बात करता, तो वो उसने बोलो क्या जरूरत है लेने की, मेरे पास पड़ी, वो छोटी है, बहुत अच्छी हैंडी है, ट्रैवलिंग में आपके बड़े काम आती है, तो वो भी मैं थोड़ी सी उसकी भी शक्ल दिखा दूंगा। लेकिन वो आज जब कपड़े इस्त्री करने के लिए जो लड़की आती है, जो हेल्प है कह ले घर के काम काज, तो उसी के समझो हवाले घर था, तो इसकी इसीलिए नीट क्लीन साफ सुथरा डस्टिंग हर चीज आपको ऐसे मिली जैसे हम इधर ही थे। तो वो जब आज करने, तो कपड़े मेरे जो है वो जाहिर उस वक्त हम भर भर के ये क्लोजेट इनके अंदर डरा दूं भर गए थे, तो हमने जब मैंने निकाले तो बड़े सलवटों के साथ, वैसे मैं ये बता दूं कि मेरे अक्सर कपड़े में बगैर इस्त्री के, जाहिर है वहां भी मैं बगैर इस्त्री के, तो वो कभी ज्यादा गले आसपास पड़ जाए मैं कर देती हूँ अलग बात है, मैं अपने से नहीं करता हूँ, ये बहुत बड़ी मेरी कमजोरी करें, मैं इस्त्री करके कपड़ा कभी नहीं पहनता, ना मुझसे इस्त्री मुझे करनी नहीं आती, दुनिया के काम मुझसे करवा लें, इस्त्री मुझसे नहीं होती। खैर, तो वो फिर जब ये बात हुई तो आसपास हमारा प्लान था कि वहां से लेके चले, तो वहां से मुझे मैंने कहा यार वहां देख लेंगे, तो फिर वो भूल भाल गए बात, पिछली बार तो अभी आए हम बगैर उसके आ गए, अभी वो आज ही लड़की ने जब कहा, जब कपड़े इस्त्री करने लगी ना, तो आस वगैरह वहां से पैगाम आया कि अपने कपड़े सारे इस्त्री करवा के और उसको अपना हैंग करवा लो, उसके बाद पहनते रहो फिर उसमें। तो वो उसने कहा बोला अंकल ये जो इस्त्री आपकी ये छोटी बहुत है, इससे एक तो सलवटें नहीं निकलती और देर बहुत लगती है, अगर आप नॉर्मल जो बड़ी इस्त्री हो वो अगर आप लाएं तो वो भी जल्दी जाती है, सलवटें भी सही निकलती हैं। तो मैंने कहा मुझे पहले तो मेरे तो दिन में कभी ज्यादा आई नहीं, और एक बार तो आई थी हम भूल गए कनाडा से लाना, तो चलो मैंने कहा मैं अभी जाता हूँ। उसी वक्त मैं एक दोस्त है उसके साथ मोटरसाइकिल पे बैठे, क्योंकि शहर में इतनी रश होती है और दूसरी गर्मी भी इतनी है, मैं ये कंप्लेन में नहीं कर रहा हूँ, शुक्र है मैं फिर भी अपना, लेकिन मैंने वो भी बनाया हुआ क्या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट जिसको कहते हैं, उसकी बोतल बना के रखी हुई, उसका पानी पीता हूँ, पसीने आते हैं वो पियो, फिर बैठ जाओ, फिर बाहर निकलो पसीना फिर पी लो, तो वो उसका मैं खुदा का शुक्र है सारा उसका मैं ख्याल कर रहा हूँ, वॉक अपनी अर्ली मॉर्निंग करता हूँ या शाम को लेट करता हूँ, तो ये वॉक के भी वो है, और बाकी खुदा का शुक्र है डरने की जरूरत नहीं। आप लोग भी कई मरतबा बहुत ज्यादा ओवर कॉन्शियस जो हो जाते हैं, कोई भी हो सकता है, वो मेरे अपनी फैमिली मेंबर, आप भी फैमिली मेंबर की तरह हैं, आप में से भी ये कल मैसेज आया हुआ कि आप आपके पास वो हर सूरत में बंदा रात आपके पास कुछ हो, आप अकेले घर में ना सोए, आपके साथ हो, रात को कोई इशू हो जाए, यूँ खुदा शुक्र है नहीं होता, अगर हुआ भी तो देख लेंगे उस टाइम पे भी, वो एक फ़ोन कॉल के फासले पे होते हैं, तो ऐसी कोई सिचुएशन शुक्र है लगा नहीं है। तो मैं चले मेहरबानी जिन्होंने भी कहा, लेकिन है कि वो आप डरने की जरूरत नहीं, एक ने कहा आप 3 गार्ड वो ले लें, वो यूं ले लें और गाड़ी की शीशे काले कर लें, वो खुदा के बंदे, वो जिसने मेरा पीछा नहीं भी करना होगा वो भी करेगा, ये नॉर्मल सीधी सादी सादी लाइफ ये ठीक है, और उसी तरह मैं चलता हूँ उसी तरह मैं जाता हूँ, इससे अवॉइड नहीं हो सकता। अगर आप कहें मैं यहाँ में खास आया हूँ अपने शहर में आया तो घर में बैठने के लिए मैं घर से ना निकलूँ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। खैर, तो मैं वो आपको सिर्फ दिखाना ये चाह रहा हूँ कि आज का मेरा जो कमाल है वो मैं अच्छा, फिर वहाँ मैंने देखा खवातीन जो है ना उसी शॉप पे, इलेक्ट्रॉनिक चीज दुकान है बढ़िया, मैं तो अब नाम भूल गया, देखें उसमें दुकान, चलो मैं मदीना है या क्या है, चलो मैं देखूंगा वो वीडियो में भी उसका क्लिप में भी उसकी वहाँ होगी शायद, तो वो थोड़ा सा उनसे रेफरेंस भी है तबलीगी जमात से, उन लोगों का ताल्लुक है, मेरे भी कुछ दोस्त तबलीग में, तो उनके हवाले से स्पोर्ट्स में भी मेरे ऐसे दोस्त है, तो बेचारे बड़े नॉमिनल प्राइस मुझसे लगाते हैं, तो मैं उनके पास जब गया तो उन्होंने, अब ये देखें ये ब्लेंडर है जिसको, तो इम्पोर्टेड ये ज़ाहिर अभी आप इम्पोर्टेड ही होंगे, पाकिस्तान में बनता क्या या, तो ये भी लेकिन फ़र्क सिर्फ होता है, कई लोग ये चाइना का है तो ये जापान का है तो मलेशिया का है, तो ये मेड इन चाइना, तो इसका उन्होंने दिया, आप अंदाज़ा करें कि ये दूसरों को मुझे नहीं पता, और मुझे शक भी हुई कुछ खवातीन को जो कीमत बताई थी तो ज़्यादा बताई थी मुझे, बहरहाल उसने ये इसको मैं इसमें से निकालता भी, ये 3200 का 3200 रुपए का ही आया, और देखिए कितनी इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, आपने वो बनाना है जूस बनाना है कोई चीज़ बनानी है लस्सी बनानी है, तो आप देखिए कितना खूबसूरत आइटम बंदा वहाँ से लाया, फिर वोल्टेज के मसले तो इतना, और वहाँ महंगा मैं बता रहा हूँ आप कन्वर्ट करें इसके कितने डॉलर बने, और वहाँ ये 40-45 डॉलर सिंगल पीस 40-45 डॉलर 50 से कम नहीं मिलता,
अगर 50 डॉलर तक मिलता है तो आपके हिसाब लगा लें जो कैनेडियन डॉलर का जो रेट है उसके हिसाब से भी ये कोई 12-14 हज़ार का बनता है। ये 3,200 डॉलर का, और ये प्रोडक्ट चाइना की प्रोडक्ट, बेशक क्वालिटी में कोई फ़र्क होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नॉर्मल एक प्राइस बता रहा हूँ। तो बड़ा अच्छा, बिल्कुल साउंड है उसका, है उसने चला के दिखाया, कोई आवाज़ नहीं। तो मैं ये भी ले आया इसकी वजह के मैंने आम का ऑर्डर दे भी दिया है। वो आम आप लोगों ने पसंद भी की थी वीडियो, याद है एक मरतबा जब वो बच्चों ने आना था तो मैंने आम की पेटियां मंगाई और वो उसके बाद उनको काट काट के पीसेस बना के फ्रीजर में डाला कि बच्चे आ रहे हैं। ये बाहर शेड भी इसलिए बनाया था कि बच्चे आ रहे हैं, बाद में पता चले बच्चे आए नहीं, वो शेड भी उसके ऊपर भी 2-2.5 लाख खर्चे में रह गया, वो भी मेटल का सारा बनाया, वो भी बेकार गया। वो कह रहे थे कि हमने उसमें अपने बॉक्सिंग के वो चीज़ें वो लगानी है। मैंने वो शेड बना लिया, मैंने कहा तुम डेट बताओ जब तुम लोग आ रहे हो तो उस वक्त जाके मैं पंचिंग बैग इधर उधर कराची से जाके लोड करा के ले आऊँगा। वो आए नहीं, तो बस सारी बात यह है कि वो उसके बाद वो रह गया। तो मैं आम उस वक्त भी काटे, काट के उनके लिए रखे, वो आम भी रह गए। फिर वो पीछे जो दोस्त मेरा टेक केयर करता था उन्होंने खाए, मौज लड़ाई मजे किए। तो अब मैं मुझे एकदम ये कल आइडिया आया, मैंने कहा भी आसफा का प्रोग्राम कल रात बात भी हुई तो उतने आना, तो जैसा कि मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह आना है, उन्होंने ऐसा नहीं कि नहीं आना है, बड़े बड़े ठोस रीज़न थे जिसकी वजह से वो मुझे कहने लगे आप जाओ नहीं, मैं जब हम जाएँ तो इकट्ठे जाएँ। मेरा कहना यह था कि नहीं मैं मुझे जाने दो, तुम बाद में पीछे आ जाओ, मैं भी इधर बैठा हुआ हूँ और काम जो है हम दोनों ने भी उन काम को उसी तरह हैंडल करना, तुम अकेले भी कर सकती हो उसका, तो फिर मुझे जाने दो, मैं अकेला भी थोड़ा सा फ्रीडम की ज़िंदगी, आज़ादी की ज़िंदगी थोड़ा घूम फिर लूँगा। और फिर इस पर हमारा इत्तफाक हुआ, तो इंशाल्लाह 1.5 से 2 महीना तो फिर भी उसको लगेगा आते आते, 1.5 से 2 महीना। तो अगर आज से 1.5 महीने बाद आएगी तो आम तो जब तक ख़त्म हो जाएंगे। तो आज मैंने उसका भी आर्डर दोस्तों को बता दिया, उससे बात हो गई, तो उसके आम लाएंगे कच्चे, मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह पेटियों में भर के घर खुद ही पकें, क्योंकि कच्चे हमने फौरन तो खाने नहीं, और आराम से तरीके से सुकून से वो पकें और उसके बाद चेक करें जब उसमें देखें पूरी मिठास है, क्योंकि जब वो पकते हैं इसमें वो कार्बेट वगैरह डालते हैं, अब ये लंबी वो थ्योरी होगी, टेक्निकल चीज़ें होगी, फिर उसको थोड़ा सा निकाल के एक आध दिन, जैसे हमारा अपना बाग भी था तो हमारे वाले साहब भी बता बोला एक आध दिन इनको खुला पड़े रहें दो हवा में, फिर इनमें मिठास डिवेलप होती है जो भी होगा। तो वो फिर हम क्या करेंगे इंशाल्लाह वो काट के तो फ्रीजर को जो है वो मैं देखूंगा, अगर जगह ये कम हुई तो एक छोटा डी फ्रीजर वो ले आएंगे उसमें भर देंगे, और भर के जब तो इसका फिर ये मेन पर्पज था कि वो मैंगो शेक बनाए, लस्सी बनाए उसके अंदर मैंगो डाल लें, जो कुछ भी रूह अफजा और मिल्क शेक अपना मैंगो शेक जो भी, तो इसीलिए मैं जो ये दिन में आया तो ये मैं लेकर आया, तो 3,200 डॉलर का, ठीक है 3,200 रुपये का। और फिर उसके बाद बात हुई मेरी स्त्री की, तो मैंने उनसे एक ही बात की, मैंने कहा यार बात सुने भाई साहब, बाकी जो मैंने बताया कि तुम मेरा ताल्लुक वास्ता भी उनसे है, मैंने कहा भाई चीज़ मुझे एक नंबर आप चाहिए, पैसे आप जो चलो मैं रियायत की तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ दुनिया से जो लेते हैं उससे 2 पैसे मेरे से पहले ज़्यादा, कहने की बात होती है वो क्यों लेगा जब जितना दूसरे अगर मेरा ताल्लुक भी है तो दुनिया से ज़्यादा तो नहीं ले, मैंने कहा यार भले 2 पैसे मुझसे ज़्यादा ले लेना, मैं कन्सेशन नहीं कराता अब जान पहचान की वजह, लेकिन मुझे चीज़ एक नंबर चाहिए। तो उन्होंने सामने पड़ी हुई जो पहले दिखा चुके थे, तो मैंने कहा यार ये बिल्कुल एक नंबर है, उसने वासने लगा बोला भाई हम जो कस्टमर बाय करते हैं ना हमें अंदाज़ा है कि कस्टमर का इस बजट के अंदर एक चीज़ आई तो उसने वो लेनी है, बोला यही चीज़ है लेकिन ये एक नंबर नहीं, अब अंदाज़ा करेंगे मलेशिया की ही मेड बनी हुई, वो इस जो स्त्री थी वो कितने की उन्होंने को पता नहीं 4,000 रुपये की वो, लेकिन वो एक नंबर, मैंने कहा नहीं जब एक नंबर निकाली उन्होंने तो वो फिर ये गारंटी के साथ, जब उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों को इसका नहीं पता मेड इन मलेशिया, मैं अपनी कारों के पार्ट्स जो डालता हूँ इवन बेंज के मर्सिडीज के दूसरे के बीएमडब्ल्यू के, आपको ये शायद अगर जिनको नहीं पता उनके लिए हैरत वाली बात होगी कि उसके बेंज के पार्ट्स भी वहाँ मलेशिया से बन के कई पार्ट्स आते हैं, वरना आम गाड़ियों के तो खास तौर पे ब्रेकों में रहते हैं मलेशिया में, वही बहुत ही अच्छी जस्ट लाइक वही जो जैपनीज या ओरिजिनल कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसी के बराबर वो होती है। तो मैं मलेशिया की प्रोडक्ट के ऊपर फौरन हाथ डालता हूँ, मैं बड़ा प्रेफर करता हूँ उसकी। तो ये उन्होंने कहा कि ये मेरी मलेशिया है ओरिजिनल है, बोला इसकी वारंटी के साथ अगर आप लेते हैं तो इसकी ये कीमत है, विदाउट वारंटी लेंगे तो इसकी ये कीमत है, बोला
अब आपके ऊपर है। कई लोग इस कहते हैं नहीं हम कीमत ज्यादा देंगे, कहता होता इनको कुछ भी नहीं। मैंने कहा ये तो मुझे भी पता है, हमने वहां कई मरतबा ऐसे को प्रोडक्ट ली, कोई चीज ली, देखो वो इंश्योरेंस जैसे वो आप नहीं लेते हो तो साथ उसका पैकेज में देते हो, कभी कुछ होता ही नहीं। कंपनियों को भी जो इंश्योरेंस साथ देती हैं, कई कंपनियां इंश्योरेंस का वो अलग से पैकेज आपको बाय करना पड़ता है कि भी आप इतने पैसे और देते हैं तो आपके 5 साल के लिए एक्सटेंडेड वारंटी चाहे कार है चाहे कुछ, होता कुछ नहीं। वो कंपनी जो इंश्योरेंस दे रही है वो पागल नहीं है कि वो आप इतना फ्री हैंड आपको दे दे एक मर्सिडीज कार है कि पता चले जी आप 3 साल के बाद आपको जी इसका इंजन भी खत्म हो गया ट्रांसमिशन भी, चलो जी ऐसा नहीं है। उनको पता होता है प्रोडक्ट को कुछ होता नहीं है। तो हाँ अनफॉर्चुनेटली कुछ 100,000 आइटम में से अगर एक की कोई वारंटी का क्लेम आ भी गया तो वो स्टिल बहुत पैसा बनाते हैं इसमें। मेरा एक दोस्त भी था इसकी एक्सटेंडेड वारंटी के अंदर, उसने भी ये बताया बड़ा मिलियंस बनाते हैं सिर्फ इंश्योरेंस के ऊपर, क्यों चीज़ होती है। और वहाँ बाहर के कंट्री में मैं आपको ये भी बता दूँ कि वहाँ लोगों को या इतना एक्स्ट्रा काम भी नहीं है, वो कहे यार नहीं मैं खाम खा इसको ख़राब कर लूँ या ख़राब नहीं भी है और मैं चला जाऊँ मैं जाके कहूँ नहीं प्रॉब्लम करती है चेंज करो, इतना वहाँ किसी के पास टाइम कोई ऐसा करता ही नहीं है, कोई टाइम नहीं किसी के पास। तो सो ये भी तो मैं आपको अब ये भी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैंने कहा चलो मैं अकेला ही हूँ शाम का टाइम है रात का घर का तो मैं आपको थोड़ा सा ये चीज़ें जिससे मैं ये बताऊँ कि ये चीज़ अवेलेबल पाकिस्तान में हर किस्म की है जो आप लेना चाहें, इवन चाहे गाड़ी की बात हो वो मार्केट में आप क्या मर्सिडीज नहीं मिलती, कार नहीं मिलती, बैंड नहीं मिलती, जी वैगन हर चीज मिलती है। माल खपे रोकड़ खपे रोकड़। तो ये मैं अब ये देखें इसका इसके नीचे कलर का भी इसका डिफरेंस है और ये उसकी है पैनासोनिक। मैंने कहा यार पैनासोनिक हो नेशनल हो फलाना हो सोनी हो लेकिन हो उसकी ओरिजिनल तो उसने गारंटी के साथ ये मुझे दी है। और ये इसकी कीमत देखें 6,300 की यानी ये इस्त्री आई और वो आई 3,200 की, तो टोटल दोनों आइटम 9,500 रुपये के 9,500 रुपये में लेके मैंने कहा चलो मेरी वीडियो मामा भी देखेगी कि तो मामा जाए तो वो कहेंगी शाबाश भी इतनी इतनी हिम्मत की ये आइटम ले आए। तो अब इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट मैं वीडियो को शार्ट करूँ जल्दी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। अब मेरे पास माइक्रोवेव नहीं है, एक आध दिन में माइक्रोवेव लाना और एक वॉशिंग मशीन, भले कम कपड़े हैं भले वो काम करने वाली है वो धोती है बेचारी, उससे पहले तो मैं जब होता मैंने तो खुद ही धोता था, आपको आपने वीडियो भी मेरी देखी होगी लेकिन स्टिल अब मैं कहता हूँ कि चलो उधर धुल भी अच्छे जाते हैं और जो काम करने वाली बेचारी उसको भी चलो थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो कल हम इंशाल्लाह मैं एक वॉशिंग मशीन और जिसमें शायद ड्यूल वो दोनों वॉशिंग मशीन भी होती है ड्रायर हो अच्छी है ना हो तो बस उसमें से निकाल के आप फैला दें, लेकिन होना चाहिए तो वो फिर उसकी एफर्ट से बंदा बच जाता है। तो कल इंशाल्लाह मैं ये दो चीज़ें वॉशिंग मशीन और एक माइक्रोवेव, तो ये दो चीज़ें आएंगी तो मेरे ख्याल से काफ़ी आइटम हमारे घर। देखिए जो सेटअप जो पिछली बार तो ला के वैसे ही पड़ा रहा, हमने लाइटें वाइटें लगाई नहीं, ये सारा इसकी लाइटों को डिम फुल करने के लिए भी ये भी बड़ा अच्छा ही आइटम है। आप ये देखें कि इसकी लाइटिंग से आप यहाँ से जब इसको कम ज़्यादा करेंगे ये कम हो गई ये और कम हो गई और कम हो गई, आपके पास ऑप्शन है इसमें जैसे रिमोट कह रहे हैं वो कह लें, बड़ा अच्छा आइटम है बड़ा हैंडी मुझे बड़ा पसंद है। अब जैसे मैं खड़े होकर बात कर रहा हूँ वरना कई उनकी हाइट एक लिमिट होती है इसकी हाइट, अभी रखें इसके कम से कम ये 2 फुट और ऊंचा जा सकता है, अगर आपने ऊपर ले जाके और ऐसे इसको रखना तो भी कर सकते हैं, तो बड़ी इसकी हाइट भी है और बड़ा अच्छा आइटम है। फिर अगर कोई कंपनी या लोग मुझसे पूछते फिरेंगे तो आप देख लें पहले कंपनी में एडवर्टाइज हो जाए, अच्छा आइटम है तो ये क्या डीजी पावर ऐसा करके कुछ नाम है और बहुत ही नाइस आइटम है और ये घर में बच्चों ने लाइबा सना सबके पास सबने लिया हुआ, तो जब मैं जाने आने लगा तो उसामा ने अपने लिए मंगाया था घर के लिए, तो मैंने जब बात की तो कह लगा ये आप ले जो हम ये मुझे दे हमें मैं ले आया, तो उन्होंने दूसरा ले लिया। तो ये है सारी सूरत, मैं आपको ये भी दिखा दूँ।